देख रहे हैं न्यूज एट फाइव। मैं हूँ श्रुति शर्मा और इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। तीन बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी शीला दीक्षित यूपी में कांग्रेस का चेहरा होंगी। यूपी में कांग्रेस की हालत खस्ता है, लिहाजा पार्टी को भरोसा है कि शीला दीक्षित के सहारे कांग्रेस की नैया पार लगाई जा सकती है। हालांकि प्रियंका गांधी भी अहम रोल अदा कर सकती हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने हैं विधानसभा चुनाव और उसके लिए हम आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार शीला दीक्षित का नाम सामने आया है। तीन बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं शीला दीक्षित और यूपी में कांग्रेस को शीला के चेहरे कांग्रेस नैया पार करा देगी शीला दीक्षित, ये कह के उनका नाम अब सामने लाया गया है। जिसका अनुमान आप काफी समय से लगा रहे थे वो पहली बार आपका अंदाजा सही निकला है। आप सीएम कैंडिडेट कहिए या पार्टी का चेहरा कहिए, किसी भाषा में श्रीमती शीला दीक्षित। अपनी हाईकमान का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे पर विश्वास किया और ये जिम्मेदारी दी। मैं अब प्रार्थना यही करती हूँ कि मैं इस जिम्मेदारी के लायक बनूँ और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बेहतर अपना जो रिजल्ट है वो होगा, इस पे मुझे पूरा विश्वास है कि अब अच्छा रिजल्ट आएगा। और शीला दीक्षित पर ही दाव क्यों लगाया गया है कांग्रेस ने, ये हम जानने की कोशिश करते हैं वीडियो वॉल के जरिए। कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने ब्रह्मांड चेहरे की राय दी है और वो है शीला दीक्षित। साथ ही यूपी में करीब 13% ब्राह्मण वोट है, यही एक लॉजिक भी है क्योंकि शीला दीक्षित का नाम दिया गया है। वोट बटोरने की कोशिश ब्राह्मण के नाम पर, शीला दीक्षित का यूपी की राजनीति से पुराना नाता है और यही कारण है कि उनका नाम अब सामने रखा गया है। वहीं 1984 से 1989 तक कन्नौज सीट से सांसद भी रही हैं शीला दीक्षित, ये एक यूपी से उनका नाता जुड़ा हुआ था जिसके वजह से अब उनका नाम सामने आया है और इस दौरान वो पीएमओ में राज्य मंत्री भी बनी। और साथ ही साथ शीला दीक्षित की शादी यूपी के उन्नाव में हुई थी, यानी कि यूपी की एक बहू की तरह से भी उन्हें जाना जाता है। और मिनर्वा अफजल हमारे साथ कांग्रेस से जो जुड़ रही हैं इस पूरी बातचीत पर, आपसे जानना चाहेंगे कि अब शीला दीक्षित पर ही क्यों दाव लगाया गया है कांग्रेस की तरफ से? ये दाव लगाने वाली बात नहीं है जी। कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि चूंकि आप लोगों की बड़ी डिमांड रहती थी, भारतीय जनता पार्टी से भी आप सब लोग पूछते हैं कि आपका यूपी में चेहरा कौन होगा, वहां से कोई जवाब नहीं आया, हम लोगों से भी आप ही पूछते, तो हमने इस बार ये तय किया कि चेहरा ऐसा दिया जाए जिसका एक्सपीरियंस और जिसकी 15 साल की कामयाबी जो है वो आज पूरा हिंदुस्तान जानता है। इसलिए शीला दीक्षित जी को इस चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट के तौर पर जी। और चेहरे के तौर पर सामने लाने का कांग्रेस ने काम किया है। लेकिन अफजल जी, माना जा रहा है कि एक तरह से ये एक फेस सेवर है प्रियंका गांधी के लिए, काम तो वही करेंगी, बस एक चेहरा सामने दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। देखिए, बहुत बड़ी टीम अनाउंस हुई है, गुलाम नबी आजाद साहब जनरल सेक्रेटरी बने, राज बब्बर साहब प्रेसिडेंट बने हैं, उसके अलावा आपने देखा कैंपेन कमेटी और कोऑर्डिनेशन कमेटी दोनों में एक तरफ संजय सिंह साहब हैं, दूसरी तरफ प्रमोद तिवारी जी हैं, ये सब बड़े नाम हैं। और उसके साथ साथ शीला जी का एक बुजुर्गाना नाम है जिनके एक्सपीरियंस और जिनकी इज्जत पूरे देश में की जाती है, तो कांग्रेस ने बहुत सोच समझ करके एक टीम जो है पूरी अनाउंस की है और आप आने वाले वक्त में देखेंगे कि इसका उत्तर प्रदेश को बहुत सीधा अच्छा असर पड़ेगा। और लोग ये समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम रहती है जी। या जो शिकायतें पुरानी दूसरी पार्टियों से हैं, तो कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने उत्तर प्रदेश को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया था। बहरहाल आपसे जुड़ेंगे हम दोबारा, सीधा चलते हैं अब आपको ले चलते हैं, टीसीएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आइए वहीं चलते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। No, we don't have this thing, so let me put it this way. I'm very happy with our directional progress on the margin front. I'm very happy with the multiple dimensions that have been brought into play in this quarter.
And we remain, what should I say, focused on delivering profitable growth. And rest of it is where it happens. Quite non-committed. Chandra, let me come back to BFSI. Your point that the incremental revenue addition in BFSI this quarter was more than that you saw even in the prior quarter. But in actual percentage terms, it slowed down compared to Q4, which is more than 3%. Even last year in Q1, BFSI growth was more than 3%. Is there anything that we would worry about? And let me follow it up. If you could just give us an update on the headwinds, which, you know, you had given us an update earlier on Latin America, Japan, Diligenta, etc., where they stand now vis-a-vis the last quarter, and any other pockets of worry if you've identified any new ones. I think from a BFSI perspective, I already mentioned the incremental revenues this quarter is better than last quarter. Yes, it's a fact that the growth rate, if you compare it with last year, Q1, definitely it's lower. I think that is to be expected. It is in the right direction. But considering all the things that are happening in the macro, I think it will play out as we go. But from my perspective, based on anything I've heard from any client, I don't have any negative to report at this point in time, any client-specific negative to report. But having said that, we need to watch how the Brexit plays out, how companies react, financial institutions in particular, how do they react to Brexit, all those things to be watched out. But as of now, I feel the incremental revenues are good and it's moving in the right direction. And so I have nothing specific to caution on that front. With respect to the three or four troubled areas, which earlier troubled areas, I think Diligenta has delivered as expected, which is flattish to slight growth. And Latin America has been more flattish. And Japan, we can. और सीधा ले चलते हैं आपको वित्त मंत्री अरुण जेटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आइए वहीं पैन कार्ड फॉर एवरी ट्रांजैक्शन बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट ग्रेजुअली इट्स एप्लीकेशन विल इंक्रीज एंड देयरफॉर इट्स गोइंग टू बी नो प्रॉफिटेबल एक्टिविटी फॉर एनीवन टू इंडेफिनेटली कंटिन्यू टू हैव कंसील्ड एसेट्स. It's not very easy to design these schemes. There are many in the business community who will say, make it more attractive, make it more reasonable. This is not a seasonal sale. The assessee who honestly pays his taxes regularly pays, let us say at the rate of 30% plus all the surcharges, the violator can't be given a facility better than the honest assessee. In fact, there is a legitimate analysis that in the CBDT that they have, that some of the earlier schemes could have been considered discriminatory against the honest taxpayer. So the honest taxpayer paid at the prescribed rate year after year. The not so honest one came 10 years later and paid the same amount once, and he saved 10 years of interest and value on that money. And therefore, they rendered it a discrimination against the honest taxpayer. Therefore, the not so honest taxpayer will have to pay a little extra. And therefore, keeping this ethical and legitimate legal consideration in mind, the rates have been designed. The revenue department. Oh.
और कंप्लायंस विंडो लॉन्च करी थी गवर्नमेंट ने, इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वित्त मंत्री अरुण जेटली इसी पर मीडिया को संबोधित कर रहे थे। और अब रुख करते हैं अगली खबर का, जी बिजनेस की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। मुंबई में बीएमसी रोड घोटाले में बड़ी गिरफ्तारियां होंगी। बीएमसी रोड घोटाले में सभी 6 कंपनियों के प्रमोटर गिरफ्तार होंगे। सूत्र, पुलिस जांच में कंपनियों की गड़बड़ियां सामने आई हैं और पुलिस बाकी की 5 आरोपी कंपनियों के प्रमोटर की तलाश में जुटी। एक आरोपी कंपनी रेलकॉन इंफ्रा के मालिक दीपेन शाह की कल हुई थी गिरफ्तारी। मुंबई में सड़क बनाने के ठेके में भारी गड़बड़ी करने का आरोप, खराब कंस्ट्रक्शन, घटिया मटेरियल, बोगस बिलिंग जैसे आरोप, जिन 6 आरोपी ठेकेदार पर एफआईआर, उसमें रेलकॉन इंफ्रा अन्य ठेकेदारों में है जय कुमार इंफ्रा, केआर कंस्ट्रक्शन, आरपीएस इंफ्रा और महावीर रोड्स और इंफ्रा के नाम है। आरके मधानानी एंड कंपनी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज है। जी बिजनेस ने 28 जून को बीएमसी रोड घोटाले का एक्सपोज किया था, जिसके बाद बीएमसी का चीफ इंजीनियर रोड और विजिलेंस गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि कल एक आरोपी कंपनी रेलकॉन इंफ्रा के मालिक दीपेन शाह को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सीधा चलते हैं हमारे संवाददाता अनुराग शाह के पास। अनुराग, और क्या ताजा अपडेट अब इस पूरे मामले पर? जिस तरह से इस पूरे घोटाले के अंदर हर अगले दिन कुछ ना कुछ बड़ा खुलासा हो रहा है, तो उसी के बाद अब आने वाले दिनों में जो 6 कंपनियां हैं, सभी 6 कंपनियों के जो प्रमोटर है वो गिरफ्तार होंगे। कल रेलकॉन इंफ्रा के जो प्रमोटर थे दीपेन शाह, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। और आज पुलिस सोर्सेज ने बताया कि पुलिस की जो जांच है उनमें बाकी जो कंपनियां हैं उनके खिलाफ भी कड़े सबूत मिले हैं, और आने वाले 3 से 4 दिन में जो बाकी कंपनियों के डायरेक्टर और प्रमोटर है उनकी भी गिरफ्तारी होगी। जो दीपेन शाह को पुलिस ने कल गिरफ्तार किया था, उन्हें 16 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इसके अलावा जो पिछले हफ्ते बीएमसी के जो 2 बड़े इंजीनियर थे, इंजीनियर रोड और इंजीनियर विजिलेंस, उनकी भी जो गिरफ्तारी हुई थी उनको भी 15 जुलाई तक पुलिस कस्टडी और रिमांड के लिए भेज दिया गया है। तो पुलिस का यही कहना है कि आने वाले दिनों में इसमें और खुलासे होंगे और उनकी जो पूरी जांच है उसमें कहीं ज्यादा गड़बड़ियां सामने आई है। हमने 28 जून को यह बताया था किस तरह से जो बीएमसी के अंदर रोड कंस्ट्रक्शन के अंदर एक नेक्सस है, जिसके अंदर बीएमसी के कॉन्ट्रैक्टर, बीएमसी के अधिकारी और जो थर्ड पार्टी ऑडिटर्स है वो सब मिले हुए हैं, और जिसका खामियाजा है जो मुंबई की आम जनता को उठाना पड़ रहा है। तो इस हमारे जी बिजनेस के एक्सपोज के बाद लगातार एक से बढ़कर एक गिरफ्तारियां हो रही है और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां होगी। बिल्कुल अनुराग, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। जी बिजनेस की खबर का बड़ा असर। बहरहाल रुक करते हैं अब शेयर बाजार का। आज के कारोबार में बाजार में खरीदारी देखने को मिली है। यूरोपीय बाजारों से मिले अच्छे संकेतों के चलते निफ्टी 7 अगस्त 2015 के 8,550 के स्तर के ऊपर बंद होने में कामयाब रही। सेंसेक्स 127 अंक और निफ्टी 45 अंक चढ़कर बंद हुए। कंज्यूमर ड्यूरेबल, बैंक और कैपिटल गुड्स शेयरों में खरीदारी देखने को मिली, और वहीं रियल्टी और हेल्थ केयर कंपनियों के शेयरों पर थोड़ा दबाव देखने को मिला। और एलएनटी इंफोटेक के आईपीओ की ग्रे मार्केट में भारी मांग है। सूत्रों के मुताबिक ग्रे मार्केट में एलएनटी इंफोटेक के आईपीओ पर प्रति शेयर 85 से 95 रुपए का प्रीमियम चल रहा है। इसका मतलब है कि कंपनी के शेयर की लिस्टिंग प्राइस बैंड से 85 से 95 रुपए ऊपर ही होगी। एलएनटी इंफोटेक के आईपीओ का प्राइस बैंड 705 से 710 रुपए प्रति शेयर है। और हीरो और मोटोकॉप के चेयरमैन पवन मुंजाल का कहना है कि मॉनसून अच्छा होने से कंपनी की बिक्री में इजाफा होगा। पवन मुंजाल से खास बातचीत करी हमारे संवाददाता नंद किशोर नायर ने। सर, सबसे पहले तो मुबारकबाद स्प्लेंडर 110 आई स्मार्ट के लिए। पर्सनली और एज ए कंपनी के लिए इंडिजिनियसली बिल्ट इंजन है, कितनी बड़ी उपलब्धि है हीरो मोटोकॉप के लिए और आप इससे कितना सेटिस्फाइड हैं? सबसे पहले आपका धन्यवाद मुबारकबाद के लिए। मुबारकबाद हमें मिलनी भी चाहिए। जैसा आपने कहा, पहला मोटरसाइकिल इंजन हीरो का अपना, अपनी स्टेबल से, अपनी टेक्नोलॉजी से, अपने इनोवेशन और इंजीनियरिंग जयपुर से निकला हुआ इंजन है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सब हीरो के टीम मेंबर्स के लिए
बहुत ही प्राउड मोमेंट है ये। हीरो पहले जो हीरो होंडा थी 25 साल 27 साल तक जॉइंट वेंचर में टेक्नोलॉजी अरेंजमेंट में उस कंपनी में बहुत बढ़िया काम किया, अव्वल नंबर का काम किया। उसके बाद जब हमने अपने जॉइंट वेंचर पार्टनर से अलायदा होने का फैसला किया तो किसी बलबूते पे किया कि हम अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं। आज हमने वो डेवलप करके दिखाई। और आपको बता दें कि होंडा अब भारत में 1,90,578 कारें रिकॉल करेंगी और होंडा एकॉर्ड, सीआरवी, सिविक, सिटी और जैज होंगी। रिकॉल खराब है, बैग ठीक करेगी कंपनी। आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 5। 10 डाउनिंग स्ट्रीट में 26 साल बाद वुमन पावर दिखाई देगी। मार्गरेट थैचर के बाद थरेसा में अब ब्रिटेन की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। आज उनके प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही ब्रिटेन ने नए दौर की शुरुआत होगी और प्रधानमंत्री मोदी ने भी थरेसा को बधाई दी। ब्रिटेन में 26 साल बाद इतिहास ने फिर यू टर्न लिया है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट में नई आयरन लेडी की एंट्री हो गई है। नाम है थेरेसा मे। मार्गरेट थैचर के बाद थेरेसा ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पद संभालने वाली पहली महिला है। 59 साल की थेरेसा ब्रिटेन के लिए नई शुरुआत उस मुकाम से कर रही हैं जहां से डेविड कैमरन की विदाई हो रही है। थेरेसा डेविड कैमरन सरकार में गृह मंत्री थी। वो ब्रिटेन के इतिहास में सबसे ज्यादा वक्त तक गृह मंत्री रहने वालों में से एक हैं। कैमरन ने आखिरी बार संसद को संबोधित किया और फिर बंकिंगहम पैलेस जाकर आधिकारिक तौर पर महारानी एलिजाबेथ सेकंड को अपना इस्तीफा सौंपकर थेरेसा की एंट्री पक्की कर दी। As we leave for the last time, my only wish is continued success for this great country that I love so very much. इसके बाद महारानी से मिलने की बारी थी थेरेसा की और उन्होंने महारानी से मुलाकात कर पीएम पद संभालने की हामी भर दी। I have just been to Buckingham Palace, where Her Majesty the Queen has asked me to form a new government, and I accepted. हालांकि थेरेसा मे के लिए चुनौतियां आसान नहीं। थेरेसा ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन में बने रहने की समर्थक थी, लेकिन पीएम बनने के बाद उनकी सबसे बड़ी चुनौती ईयू से निकलने की 2 साल लंबी मुश्किल प्रक्रिया को सही तरीके से पूरा करने की होगी। बदलते ब्रिटेन और बदलते पीएम से कैसा होगा भारत का कनेक्शन, अब इस पर भी एक नजर डालते हैं। भारत को लेकर थेरेसा के अभी तक के फैसले मिले जुले रहे हैं। थेरेसा सिर्फ एक बार भारत आई हैं, वो भी 2012 में ब्रिटेन के गृह मंत्री के तौर पर। कैमरन का जोर भारत से अच्छे रिश्तों पर रहा है। अनुमान है कि थेरेसा भी यही रास्ता अपनाएंगी। खासतौर पर ईयू से बाहर होने के बाद ब्रिटेन अब भारत से कारोबारी रिश्ते बढ़ाना चाहेगा। हालांकि बतौर गृह मंत्री थेरेसा के कुछ फैसले भारत को नाराज करने वाले भी रहे। 2013 में थेरेसा ने भारत को उन 5 देशों में शामिल किया था जिनके लोगों को वीजा पाने के लिए £3,000 जमा करना जरूरी बनाया गया था, हालांकि पैसा रिफंडेबल था। थेरेसा इमिग्रेशन पर भी सख्ती दिखा सकती हैं। 2012 में उन्होंने पोस्ट स्टडी वर्क वीजा खत्म कर दिया था जिससे भारतीय छात्रों को काफी नुकसान हुआ था। ब्रिटेन का यूरोपीय यूनियन से बाहर होना और अब थेरेसा का पीएम बनना, जानकारों की माने तो ब्रिटेन को अपनी हर नीति रणनीति बदलनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं बतौर प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कल आखिरी बार ब्रिटेन की संसद को संबोधित किया। इस दौरान कैमरन ने कहा कि उन्हें भीड़ का शोर बहुत याद आएगा। I will miss the roar of the crowd. I will miss the barbs from the opposition. मुझे भीड़ का शोर बहुत याद आएगा। मैं विपक्ष के कटाक्ष बहुत मिस करूंगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के तौर पर संसद में आखिरी दिन डेविड कैमरन के इन शब्दों के बाद पूरे सदन ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। 11 मई 2010 को 43 साल की उम्र में
ब्रिटेन के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले डेविड कैमरन को 6 साल के सफर में जनता का विश्वास हासिल रहा। लेकिन ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन का हिस्सा रहने के सवाल पर जनता ने उनका साथ नहीं दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। न्यूज़ एट 5 में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। जी बिजनेस पर आप देखते रहिए खबरें।